हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करते हैं अपन नंबर सिस्टम की। ठीक ना, कंप्यूटर नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन आना चाहिए कि जो हमारा कंप्यूटर नंबर सिस्टम है, राइट। कंप्यूटर नंबर सिस्टम ये होता क्या है? जब हम कोई भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, डेफिनेशन कैसे लिखना वो देखना। हेडिंग लिखना कंप्यूटर नंबर सिस्टम, और लिखोगे कैसे? जब किसी कंप्यूटर यूजर के द्वारा किसी भी प्रकार का कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो वह कंप्यूटर 0 और 1 के रूप में कार्य करता है। किसी भी प्रकार का एनालॉग सिग्नल हो चाहे डिजिटल सिग्नल हो, वो किस रूप में काम करता है? 0 और 1 के रूप में, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं हम? बाइनरी नंबर सिस्टम या कंप्यूटर नंबर सिस्टम। अब जो कंप्यूटर नंबर सिस्टम होता है वो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल। बहुत अच्छे से इनका थोड़ा सा समझना कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है। एक बार समझोगे और आपको पूरे 8 नंबर मिल जाएंगे। है कुछ भी नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट समझना है ये होता कैसे है, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां से आप देख रहे हो बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी में कितने हैं? यहाँ पर 0 और 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 और 1 में आधार आधार कितना होता है? 2। अब सर ये 2 आधार क्यों होता है? क्योंकि बाइनरी नंबर में केवल 2 नंबर हैं, 0 और 1, तो कितना होगा इसका? 2 हो गया। ऑक्टल नंबर का मतलब क्या होता है? अभी केवल आप आधार समझो, आगे मत जाओ कि क्या होगा। हाँ, ऑक्टल नंबर क्या होगा? ऑक्टल नंबर में कुल 8 अंक होते हैं और सबसे बड़ा अंक कितना होता है? 7। 0 से लेते हैं तो उसका आधार कितना बन जाता है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो ऑक्टल में कुल कितने अंक होते हैं? 8, लेकिन सबसे बड़ा नंबर कितना होता है? 7 होता है, राइट। इसके बाद बात करता हूं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में कुल कितने अंक होते हैं? 10। आधार कितना होगा? 10, लेकिन सबसे बड़ा नंबर कितना होता है? 9 होता है। हेक्साडेसिमल में कितना होता है? हेक्साडेसिमल में कुल 16 अंक होते हैं और सबसे बड़ा अंक 15 होता है, ठीक है ना। तो आधार डिसाइड ये करता है कि किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर कुल कितने अंक होते हैं, उस हिसाब से हम उस नंबर सिस्टम का आधार डिसाइड करते हैं। यहां पर हेक्साडेसिमल से 0 से लेके 9 तक वही रहेगा, लेकिन 10 में 10 को ए बोलेंगे, 11 को बी बोलेंगे, 12 को सी, डी, ई और एफ। यदि आता है हेक्साडेसिमल में एफ किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 15। एक मिनट, यहां एफ यदि मैं बोलता हूं तो आप क्या बोलोगे? यदि मैं एफ बोलूं तो आप समझ जाना ये 15 है, यदि डी बोलूं तो समझ जाना 13 है, क्योंकि डेसिमल में 0 से 9 तक होते हैं। और बात करते हैं हेक्साडेसिमल की, तो 15 होते हैं, तो 0 से 9 तक वही रोल कॉल होता है, लेकिन 10, 11, 12 से हम उसको अल्फाबेटिक में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हूं, बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, फिर ऑक्टल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। लेकिन इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में ये नहीं आएगा कि बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना। केवल आपको ये एग्जाम्पल लिखाएगा, बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, तो हम कैसे पहचानेंगे? यहां पर ये लिखा है 2 और यहां पर क्या लिखा है? 8। 2 का मतलब क्या होता है? बाइनरी नंबर। 8 का मतलब क्या होता है? ऑक्टल नंबर। कोष्टक के अंदर क्या लिखा है हमको कोई मतलब नहीं है। कोष्टक के बाहर 2 है मतलब 100% बाइनरी नंबर है, कोष्टक के बाहर 8 है मतलब 100% वो ऑक्टल नंबर है। तो हम किस में चेंज करना है? बाइनरी को ऑक्टल में। यदि मैं यहाँ पर कोष्टक में के अंदर कुछ भी लिख देता हूं और यहाँ पर लिखता हूँ 10 और यहाँ पर लिख दिया 2, इसका मतलब क्या हुआ कि हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। यदि मैं यहाँ पर 16 लिख दूं, यहाँ पर 10 लिख दूं, तो आप क्या बोलोगे? हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। मतलब आपको इतना तो समझ में आ गया कि हम बाइनरी को ऑक्टल में कैसे पढ़ेंगे, ऑक्टल को बाइनरी में कैसे पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे पढ़ेंगे। ये आपको क्लियर हुआ। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे हेडिंग में? बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में बदलना। तो डैश करके क्या लिखोगे? जब हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में बदलते हैं तो जो बाइनरी नंबर होते हैं उनके पीछे से 3-3 के जोड़े बनाते हैं, और जोड़े बनाने के बाद जो मान निकलता है वही मान हमारा ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है।
इसके बाद आपको क्या करना है, सारणी बनाना है। कैसे सारणी बनाना है थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब मैं यहां पर एक सारणी बनाया और सारणी के दो भाग किया। यहां पर मैं लिखा ऑक्टल नंबर, क्या लिखा ऑक्टल, और यहां पर लिखा अपन बाइनरी नंबर, ठीक है ना। एक तरफ हुआ ऑक्टल और एक तरफ हुआ बाइनरी। अच्छा, ऑक्टल नंबर में कुल कितने अंक होते हैं, तो बोलोगे सर सात होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके ये हमारे हो गए। अब यहां समझना बाइनरी नंबर क्या होता है। बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1। अब हम किस में चेंज कर रहे हैं, ऑक्टल में। ऑक्टल का अधिकतम संख्या कितनी है, 7। अब मेरे को ये बताओ 7 एक ऐसा नंबर है, ऐसे कितने 3 अंक लें कि वो 7 योग हो जाए। जैसे मैं बोलता हूं 5 और 1 6, 6 और 1 7, क्या मैं 3 अंक लूंगा और इसका योग करूंगा तो 7 आया। अब बोलोगे सर हम 2, 2, 4 और 3 भी तो लिख सकते हैं, इसमें भी तो 7 आता है। बिल्कुल आता है। मैं क्या ये 4, 2, 6 और 1 7 ये भी तो ले सकता हूं, तो आप ले सकते हो। लेकिन डिसाइड ये करना होगा कि हमको इन तीनों में से किसको लेना है, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप ये समझना हम किस में चेंज कर रहे हैं, ऑक्टल में। ऑक्टल में सबसे बड़ा अंक कौन है, 7 है, और हम कहां से चेंज कर रहे हैं, बाइनरी से। तो बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। तो हमको 7 योग लाने के लिए हम 2, 2, 2, 3 जोड़ा करेंगे। अब बोलोगे सर 3 ही क्यों करेंगे, वो आंसर मिल जाएगा, पीछे से 0, 1, 2 घात लगाओ। अच्छा ये बताओ, जिसकी घात 0 उसका मान कितना होता है, 1, 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 4। यहां पर देखो 1, 2 का 4, 1, 2, 3 और 4, 7, इसका योग 7 आ गया कि नहीं आया, इतना समझो। अब ये क्यों आया, इसका मतलब ये मत समझो कि सर आप ये क्यों लिख रहे हैं, हम बाइनरी में चेंज कर रहे हैं इसलिए आपको 2, 2, 2 लिखना है, 0, 1, 2 करना है, ठीक है ना। 0 का घात, जिसकी घात 0 उसका मान 1, 2, 4, ठीक है। मैं इसलिए यहां पर 3 लिया हूं क्योंकि हम यदि 2 की घात आगे 3 ले लेते, कितनी 3, तो यहां पर कितना होता, 8 हो जाता, ठीक है ना। अब यदि मैं इन चारों को जोड़ता तो वो संख्या 7 के ऊपर हो जाती। तो हमको ऐसी 3 संख्या लेना है कि जोड़ने में कितना 7 आए। बोलोगे सर 2 भी तो ले सकते हैं, लेकिन हम 2 ले सकते हैं लेकिन हम घात के अकॉर्डिंग 3 ही लेंगे। यदि मैं यहां पर 2 की घात 0, 2 की घात 1 लिखता हूं तो मेरे को जोड़ने में 3 ही मिल रहा ना, 7 नहीं मिल रहा है, इसलिए यहां पर मैं 3 जोड़ लिया हूं, ठीक है ना। तो कितना आंसर आया, 1, 2, 4, मतलब 1, 2 का 4 आया। अब ये मैं ऑक्टल नंबर ये लिख लिया, बाइनरी नंबर बनाना तो कैसे बनाऊंगा ये बताओ। यहां पर मेरे को जैसे 0 से लेकर 7 तक आया, यहां पर 0 है, क्या इनमें से कोई संख्या 0 है, बोलोगे नहीं, तो यहां पर बाइनरी नंबर 0, 0, 0, समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम। अगला देखो, यहां पर है 1, तो ये बताओ हम ये 3 संख्या में से यहां देखो कि 1 कौन सी संख्या है। अब बोलोगे सर 1 तो ये है, मतलब कि मेरे को यहां पर 1 की जरूरत है, तो जिस नंबर की जरूरत है उसके नीचे 1 और जिसकी जरूरत नहीं है उसके नीचे 0। तो 1 का बाइनरी नंबर कितना हुआ, 1, 0, 0। 2 का बाइनरी नंबर कितना होगा, अब देखो 2 के हम संख्या कौन सी ले रहे हैं, 2, तो जिस संख्या को लोगे उसके नीचे 1, 1, 0, 0, तो 2 का क्या होगा अपना 1, 0, 0। अब आप ये बताओ 3 का क्या होगा, अब बोलोगे सर इसमें तो 3 है ही नहीं है, तो नहीं है, उस 3 को बनाना पड़ेगा। कैसे, हम 2 और 1, 3 मिलके भी तो 3 ले सकते हैं ना, तो यहां पर क्या होगा, जो जो संख्या ले रहे हैं उसके नीचे 1, जिसको नहीं ले रहे हैं उसके नीचे 0, तो 3 का बाइनरी नंबर कितना आया, 0, 1, 1। 4 का क्या जाएगा बताओ थोड़ा सा, अब बोलोगे सर अब बनने लगा हमसे, कैसे 4 लिए तो यहां पर 1, 0, 0, तो जो संख्या लेते हैं उसके नीचे 1, जो नहीं लेते उसके नीचे 0, 0, राइट। 5 में क्या आएगा, अब हम 5 में लेंगे तो यहां पर 4 को लेना पड़ेगा और 1 को लेना पड़ेगा, तो 1, 0, 0। 7 में क्या होगा, 6 में 1, 1, 0, राइट, और 7 में क्या होगा 1, 1, 1, मतलब 7 लेने के लिए हम तीनों संख्या चाहिए। तो ये सारणी हो गई। अब ये सारणी समझ में आई आपको, ये सारणी मैंने कैसे बनाया है, तो आपको एग्जाम में पहले बाइनरी को ऑक्टल में पहले डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये सारणी बनाना है, सारणी के नीचे फिर आपको एग्जाम्पल लेना है।
आपका एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है थोड़ा सा देखना, एग्जाम्पल है हमारा कि 101, 011, 01, 010, ये है हमारा एग्जाम्पल। किसमें कन्वर्ट करना है? ऑक्टल संख्या में कन्वर्ट करना है। अब ये बताओ मेरे को, हम क्या बाइनरी ले रहे हैं? हमारे जोड़ा कितने बनेंगे? तीन बनेंगे। क्यों बनेंगे तीन? पीछे से देखो, ये तीन तीन का हमको जोड़ा बनाना है। अब एक का जोड़ा बन ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर दो हैं, तो जिसका जोड़ा ना बने उसके आगे एक शून्य लगा दिया जाए, ठीक है ना। जब मैं शून्य लगा दिया तो सबके तीन तीन जोड़ा बन गए, तीन तीन अंकों का समूह बन गया। और जब तीन तीन अंकों का समूह बन गया तो देखो आपको सॉल्व कैसे करना है। पहले ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, फिर यहाँ पर सॉल्व लिखना है, ठीक है, सॉल्व। और यहाँ पर क्या करना है? लिखना है सबसे पहले हम पीछे से तीन तीन अंक का एक समूह बनाते हैं। तो आप पीछे से तीन तीन अंक का समूह बनाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 010 एक समूह ये बना, ठीक है। फिर ये दूसरा समूह बनेगा तो 010 ये दूसरा समूह बना। तीसरा समूह कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा 101। और जो अगला समूह है इसमें केवल 10 है। अब इसके नीचे क्या लिखोगे कि समूह बनाने से हमारा एक समूह में एक कम, एक अंक कम है, इसलिए उस समूह को पूरा करने के लिए उसके आगे शून्य लगा देते हैं। शून्य लगाएंगे तो फिर हम इसको फिर समूह बना देना 100। मैं आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी बता रहा हूं, ठीक है ना। तुम इसका 010 ये समूह बना दिया, राइट। अब हमको करना क्या है? अब ये देखना है कि 1010 किसका मान है। क्या मैं बोला 010 किसका मान है? 010 ये है हमारा, ठीक है ना। 010 किसका मान है? बोलोगे सर दो का। 101 किसका मान है? 101 पांच का है, तो हमको देखना कि लिखना है फिर पांच आ जाएगा, ठीक है। फिर 010 दो का है, ठीक है। तो हमारी क्या संख्या मिल गई हमको? हमको जो संख्या मिल गई वो संख्या मिल गई हमारे, ये बाइनरी नंबर है। इसके बाद जो हमको ये संख्या मिली है, क्या मिली अपन को? 2552। ये हमारा क्या है? ऑक्टल संख्या, जो हमारी किसकी है? 101011010। ये बाइनरी थी और ये हमको ऑक्टल मिल गया और यही हमारा आंसर है। ध्यान रखना, यही हमारा आंसर है। हमको करना क्या है? सबसे पहले बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन के बाद हम ये सारणी बनाएंगे, सारणी के बाद क्या करना है? हमको जो एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल को लिखना है और पीछे से तीन तीन जोड़ा बनाना है। जिसके तीन अंकों के समूह नहीं बनते उसको आगे जीरो लगा देना है और अंक का समूह बनाना है। फिर देखना है कि ये किसके मान है, सबके मान नीचे लिखेंगे। फिर इसके बाद बाइनरी नंबर और जो हम चाहते थे वो 2552 ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट, और इतने में हमको पूरे 8 अंक मिलेंगे बेटा, ध्यान रखना। इसलिए जो मैं बोलता हूं आप ध्यान पूर्वक समझो, समझ में नहीं आता वीडियो पीछे करो फिर आगे देखो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें हम यदि धोखे से कि सर हमारे पास टाइम नहीं बचा, सारणी बनाएंगे, कॉपी एग्जाम वाला ले लेगा, अब क्या करें? तो कुछ भी नहीं करना, उसके लिए देखो शॉर्ट बताता हूं। उसके लिए आपको शॉर्ट में क्या करना है? आपको बाइनरी नंबर दिए है ना, आपको बाइनरी नंबर दिया है तो कितने दिए हैं? पहले अपन को जोड़ा तो पीछे से तीन का समूह बनाना ही पड़ेगा, ये फिक्स है, ठीक है ना। तो हम 01 एक समूह ये बना, दूसरा क्या बना? 101। तीसरा समूह क्या बना? 101। चौथा क्या बना? 010। अब हमने इसके ऊपर क्या लिखेंगे? 1 2 का 4 1 2 का 4 1 2 का 4 1 2 का 4, ठीक है ना। हमने सबके 1 2 का 4 क्यों लिखा? क्योंकि जब हम ये सारणी बना रहे थे तो वहां पर भी 2 के घात 0 करने में, 1 करने में, 2 करने में 1 2 का 4 आया था। अब जिसके नीचे 0 है उसको काट दो, ये हमने काट दिया। अब देखो इस जोड़े से कितने अंक बचे, तो यहाँ पर ये जीरो भी कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा? ओनली 2 बचा। देखो 1 के ऊपर 2 है,
जीरो कट गया तो देखो वन के ऊपर फोर और वन मतलब पांच बचा, फिर यहाँ पर जब जीरो कट गया तो फोर और वन पांच बचा, यहाँ पर जीरो यहाँ से भी खत्म यहाँ से भी खत्म, तो कितना बचा ओनली टू बचा, तो हमारा जो आंसर आया 2552 देन ये आया था। तो इसको बोलते हैं हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना, जस्ट अपोजिट। यदि आपको ये समझ में आ गया मतलब आप चार टाइप के क्वेश्चन समझ लिए ठीक है ना, अब यदि आपको क्वेश्चन मिला अच्छा ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ अलग करें इसको, इसके बाद हमको ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। अभी तो बताया बाइनरी को ऑक्टल में, आप बताऊंगा ऑक्टल को बाइनरी में देखना कैसे। सारणी आपको बनाकर ही रखना है तभी आपको पूरे 10 नंबर मिलने वाले हैं। अब मैं यहां से थोड़ा सा देखना क्या कैसे होता है। ऑक्टल नंबर हमारे ऑक्टल नंबर यहां पर कितना दिया गया है, ऑक्टल नंबर हमारा है 354 ऑक्टल दिया है, किसमें कन्वर्ट करना है बेटा बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो पहले आपको डेफिनेशन देना है, डेफिनेशन देने के बाद हमको इसके नीचे क्या बनाना है सारणी बनाना है, सारणी के बाद आपको एग्जाम्पल लिखना है और एग्जाम्पल में क्या है थ्री है। अब ये बताओ थ्री जो है उसका बाइनरी नंबर क्या हो सकता है, तो उसका बाइनरी नंबर देखो यहां से देख सकते हैं थ्री का क्या होगा 011 011। और यदि आपके पास सारणी नहीं है तो फिर थ्री का मान कैसे निकालेंगे, फिर वही 12 का 4। अब ये बताओ थ्री है तो थ्री हम कैसे निकालेंगे, दो और एक को जोड़कर, तो जिसको अंक लेते हैं उसके नीचे वन और जिसको नहीं लेते जीरो, तो क्या आएगा 110। इसके बाद फाइव, फाइव देखो कैसे बनाएंगे, चार और एक पांच, तो इसको लेंगे तो 101, इसमें देखो 101 तो इसका क्या आएगा 101। इसके बाद क्या है फोर, फोर में क्या आएगा अपना बताओ थोड़ा सा, इसमें आएगा 100 100 ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, हमको सबके बाइनरी नंबर मिल गए। अब कुछ भी नहीं करना है, सबको मिला देना है। हमने मिलाने के बाद जो संख्या प्राप्त किया ये है हमारा क्या बाइनरी नंबर, ठीक है ना, जो हमारा ये है बाइनरी नंबर है और यही आंसर है। इसके बाद हमको क्या लिखना है 3 4 ऑक्टल संख्या, यहां दिखेगा क्या नहीं दिख रहा, 354 जो ऑक्टल संख्या थी वो हमको कितनी मिल गई, ये हमारी पूरी यहाँ पर आप छाप सकते हो। इस प्रकार ये होता है अपना क्या बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना और ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। यदि आपका क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम किसे कहते हैं समझाइए और 16 नंबर का आता है तो आपको कुल चार प्रकार के लिखना है, कितने चार प्रकार के। पहला क्या हुआ बाइनरी नंबर को ऑक्टल में, फिर क्या हुआ ऑक्टल को बाइनरी में। अब मैं बताऊंगा कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लूं, फिर मैं अब आगे बात करूंगा बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब कि मैंने दो टाइप बता दिया, अब दो टाइप और बचे हैं बाइनरी को ऑक्टल में और ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, ठीक है ना। होते 12 प्रकार के हैं तो हमारे चार प्रकार के बाइनरी से ही क्लियर कर दिया। अब देखना कैसे, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना होगी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में बदलना, तो हेडिंग क्या लिखोगे बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में बदलना, डैश करके आगे लिखोगे कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में बदलने के लिए दिए हुए बाइनरी नंबर को पीछे से चार चार अंकों का समूह बनाना है, और यदि चार अंकों का समूह नहीं बनता तो उसमें आगे से जीरो लगा देना है, और वही नंबर फिर बाइनरी ऑक्टल संख्या को देखना है और वही नंबर क्या हो जाएगा अपना ऑक्टल संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, फिर हमको यहाँ पर क्या बनानी होगी, एक सारणी बनानी होगी। अब सारणी बनानी होगी तो थोड़ा सी सारणी बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, और यहाँ पर क्या होगा बाइनरी नंबर, ध्यान से समझना। अब हेक्साडेसिमल में कुल कितने नंबर हैं 16 है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15 और 16। यहाँ पर यहाँ तक मैं लिख लिया,
अच्छा ये आ रहा कि नहीं आ रहा, 1 मिनट आ रहा। यहां पर देखना, हम 10 को लिख सकते हैं ए, इसको लिखेंगे बी, इसको लिखेंगे सी, डी, ई, और यहां पर एफ, यहां पर लिखेंगे मैं जी, ठीक है ना। क्योंकि हेक्साडेसिमल में 10 के बाद से अल्फाबेटिक स्टार्ट हो जाते हैं। अब थोड़ा सा देखना, हम जब हेक्साडेसिमल करेंगे तो इसमें अधिकतम वैल्यू कितनी है, 15 है, अधिकतम नंबर जो है 15। अब ये बताओ, जो ये 15 बनेगा, 4 अंकों के योग से ऐसी कौन सी संख्या लेंगी 15 आ जाए। फिर हेक्साडेसिमल को हम कहाँ हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, तो फिर लिखेंगे 2 2 2 2, यहाँ पर 0 1 2 3, 2 की घात 0 1, 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 और 1 3, 3 और 4 7, और 8 15, आ गया ना 15। तो दो दिए हुए हमारे बाइनरी नंबर है, इसमें कितने का जोड़ा बनाएंगे, 4 का बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि जो अधिकतम संख्या है वो 15 है, और 15 कैसे आती है, 4 अंकों के योग से आती है, राइट। तो देखना कैसे, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि 1 2 का 4, 4 2 का 8। अब बाइनरी नंबर आपको खुद व खुद लिखना है, क्योंकि आप सब आना चाहिए। जैसे 0, तो यहाँ पर 0 0 0 होगा, ठीक है ना। 1 का क्या होगा आप बताओ, 1 का आप केवल इसको ले रहे हैं, ये 3 0 हो रहे, तो 0 0 0 1, ठीक है ना। 2 का क्या होगा यहाँ पर, 0 0 बताओ, 0 0 1 0, 0 0 1 0। 3 का क्या होगा, क्या 3 है इसमें, तो 0 0 1 1, 0 0 1 1। 4 का क्या होगा यहाँ पर, 4 ये है, तो 0 1 0 0, 0 1 0 0। 5 का क्या होगा, 4 और 1 5, इन दोनों को लेंगे तो 0 1 0 1, 0 1 0 1। 6 में क्या होगा, इसको और इसको, तो 0 1 1 0, 0 1 1 0। 7 का क्या होगा, 4 2 6 और 1 7, 0 1 1 1, होगा या नहीं होगा, ध्यान से समझते चलना बेटा, यदि नहीं आया तो कमेंट कर देना। 8 में क्या होगा, इसको बस लेंगे वहां के 3 0, 1 0 0 0। 9 में क्या होगा, मतलब हमको ऐसी संख्या लेना है जिसका योग 9 आए, 8 और 1 9, तो 1 0 0 1, 1 0 0 1। 10 में क्या आएगा, 10 में 8 और 2 10, मतलब 1 0 1 0, 1 0 1 0। इसी प्रकार 11 का क्या आएगा अपना, 8 2 10 और 1 11, 1 1 1 1 0 1। 12 का क्या आएगा अपना, 1 1 1 1 0 0। 13 का क्या आएगा अपना, 1 1 0 1, 1 1 0 1। 14 का क्या आएगा, 8 4 12 2 14, 1 1 1, 1 1 1 0। इसका क्या आएगा 15 का, 8 4 12 12 2 14, सॉरी यहां पर 15 तक आएगा, हाँ 8 4 12 12 2 14 1 15, 1 1 1 1, ठीक है ना। तो ऐसे हमको क्या करना है, हेक्साडेसिमल नंबर लिख लेना, फिर बाइनरी नंबर में आपको कन्वर्ट करना होगा, तभी तो आपको 8 नंबर मिलेगा। चलो अब हमको नंबर क्या दिया गया है, नंबर दिया गया हमको, मान लो कि इससे और बड़ा नंबर लेता हूं, 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0, इतना मैं नंबर लिया, ये क्या है मेरा बाइनरी नंबर, किसमें चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। अब हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले हमको पीछे की ओर से 4 4 का क्या बनाना है, समूह बनाना है, तो 1 4 2 3 4, ये चौथा, और यहां से समूह ही नहीं बन रहा है, तो जो समूह बना उसके नीचे लिखो 1 1 0 0, ये क्या बना 1 0 1 0, ये क्या बना है अपना 1 0 1 0, और यहां से क्या बना है 0 0 1 0, और जो एक छूट गया है ये है, तो इसका भी समूह आप बना दोगे, ठीक है ना। ये मैंने समूह सबके बना दिया हूं। अब हमको करना क्या रहता है, अब हमको करना ये रहता है कि इनके मान लिखने होते हैं। 0 0 1 1 का मान क्या है, 0 0 1 1 का मान 3 है, ठीक है। 1 0 1 0, 0 1 0 1, 0 1 0 1 0 1 0 1, 5। इसके बाद 0 1 0 1, 5, 0 1 0 0, देखो 0 1 0 1 0 0, 4, फिर 0 0 1 1, ठीक
ठीक है ना। तो जो हमारा आया क्या आया फाइनली 14553, ठीक है, और यही हमारा क्या है हेक्साडेसिमल नंबर। फिर नीचे क्या लिखोगे, ये पूरा अपना लिख देना अंक बाइनरी को, हेक्साडेसिमल में कितना हुआ 14553। यस, ये क्या है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब बताओ इतना सरल है, बहुत ही सरल है यदि आपसे बन गया तो, ठीक है। जस्ट अपोजिट अपना क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी है। फिर लिखना क्या, डेफिनेशन लिखना और सारणी। ध्यान रखना सारणी तो आपको बनाना ही बनाना है चाहे कुछ हो जाए, ठीक है ना। अब ये बताओ, एक यहां पर लिखेंगे आप 1A4B, एक का बाइनरी नंबर कितना होगा। अब मैं इसको कर रहा बाइ हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, एक का मान कितना है, बोलोगे सर 0001, ये किसका मान है बेटा, एक का, ठीक है, एक का बाइनरी। ए का बाइनरी नंबर कितना है, तो आप बोलोगे सर ए का बाइनरी नंबर 1010 1010, ठीक है ना। फोर का बाइनरी नंबर कितना होगा, फोर का 010100। बी का बाइनरी नंबर कितना है, बी बी ये है 1101, ये हो गया, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, एक बड़े से कोष्टक में 0001 1010 1010 1001, ये क्या है अपना बाइनरी नंबर निकला है। किसका बाइनरी नंबर निकला है, हेक्साडेसिमल का। तो 1A4B को क्या लिखेंगे, हेक्साडेसिमल को ये यहाँ पर लिख देंगे बाइनरी नंबर। तो इस प्रकार से आपको यदि बाइनरी नंबर वाला क्वेश्चन आए, मैं आपको बार बार सजेस्ट करता हूँ कि जो आप लोग मैथमेटिक्स में कुछ लोग वीक होते हैं उसके लिए ये चारों नंबर बिल्कुल आरामदायक है, मैं बार बार बोलते जा रहा हूं। यदि आपको ये क्वेश्चन आता है बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, यदि ये आपको आते हैं तो आप यही करना, नहीं तो इसके अथवा में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहीं नहीं गया, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको यदि आता है बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है या कंप्यूटर नंबर सिस्टम क्या है, और पूरा 16 नंबर का, तो कंप्यूटर नंबर सिस्टम की डेफिनेशन देना है, फिर ये चार प्रकार के करके इसी को आना है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करना, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये यूनिट नंबर 4 का है फंडामेंटल का। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, एक क्वेश्चन आएगा सॉफ्टवेयर का और उसके अथवे में और में आएगा अपना बाइनरी नंबर, ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।